कड़ी मुशक्कत तो बाद पुलिस वालों काबू किए गए ये दो नौजवान। ये इंसान नहीं, असल च ये इंसान के रूप से खतरनाक हैवान ने। इन्हों की असलियत जान तुहाड़ियां हैरानगी दियां सारियां हद्दां खत्म हो जाणगियां। तस्वीर च दिखाई दे रहा ये उही हैवान है जिसने अपनी गर्भवती माशूक के चक्कर च उसके घरवाले नाल अपने साथियों नाल मिल वो गंदा ते भयानक कारा कर दिता कि तड़फ तड़फ के उस विचारी की जान निकल गई। मामला है अबोहर का, जिथे तीन दिन पहला यानी 11 जनवरी नू बस अड्डे के नेड़े जूस की रेहड़ी लगाउण वाले नौजवान नू घरों बुला के 5 जणिया ने बेरहमी नाल कतल कर दिता सी। पिंड पेंचावली दे रहण वाले आकाशदीप नाँ दे इस नौजवान की फाजिलका की रहण वाली सिमरन नाँ की कुड़ी नाल लंबे समय तो प्रेम संबंध सन। सिमरन के मापियां ने साल पहला सिमरन का विआह अबोहर के हनी ठुकराल नाँ के नौजवान नाल कर दिता सी। विआह होण तो बाद भी आकाशदीप ने सिमरन का पिछा नहीं छड्या। सिमरन भी आकाश नूं चाहुंदी सी, फिर आकाशदीप ने हैवानियत दियां सारियां हद्दां लंघ के हनी नाल जो खतरनाक कर्म किया उस नूं देख सारा शहर सहम उठिया। एक वारदात हुई थी और उस वारदात में एक युवक हनी जिसका नाम था उसका कुछ लोगों ने मिलके कत्ल कर दिया था और दौरान इलाज वो उसकी मौत हो गई थी। तो हमारी पूरी फाजिलगढ़ और अबोहर पुलिस ने मिलके SPD PSP अबोहर CIA और पूरे समूह City 1 City 2 और CIA 2 ने मिलके इस केस में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और ये केस को 2 दिन के अंदर हमने क्रैक कर लिया है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद हम तक जो पड़ताल की गई है इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेन आरोपी जिसका नाम है आकाशदीप कंबोज एलियस इसमें कोई विकास भी कहते हैं और दूसरे का नाम है साजन, ये दोनों फाजिलका के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास मर्डर वेपन जो कि 2 दातर हैं वो रिकवर करते हैं, एक अननंबर्ड मोटरसाइकिल वो भी हमने रिकवर की है और इनके जो साथी लोग हैं उनकी पहचान हो गई है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम सुनील है, एक का नाम कृष्ण है, मंगा है और मिलन है, इनको हमने आइडेंटिफाई किया है और हमारी टीमें लगी हुई हैं इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने में। और इसके साथ ये एक मोटिव इसका इसके पीछे जो मोटिव था मर्डर का जो काशदीप था ये इस मृतक की जो वाइफ थी उसके साथ इसकी काफ़ी सालों से मतलब इनकी आपस में गलबात थी और इनकी किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई जिसके कारण ये मरने वाले हनी से ग्रज रखता था और उस ग्रज के चलते इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका कत्ल किया। ये भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और हम कुछ समय के अंदर ये पूरा क्लियर कर पाएंगे कि इनका कहाँ तक कितना रोल है। जैसे कि मैंने बताया एक मिलन है, एक मंगा है और एक सनी है, सुनील है, तो इनके लिए हमारे टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी इनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। दूजे पास हैवान आकाशदीप तो उसके साथी का की कहना है लो वो भी सुन लो। मर्डर तुसे किता है? क्यों सर? कुड़ी नाल सर। हाँ जी सर, कुड़ी नाल गल है गई जी। किदी गल सी? कि तुहाडी सी? हाँ जी सर। अच्छा, कुड़िया दे नाम है? सिमरन है। कित्थों दी कुड़ी हो? फाजिलका जी सर। केड़े पासे दी? माधव नगर दी। हाँ जी। अच्छा, कुड़ी में होया? हाँ जी। किंदे नाल? हनी ठकराल सर। बस इत्थों सर असी उत्थे अबोहर इकट्ठे होए सीगे सारे जी, मंडी च इकट्ठे होए सी सर जी। उस तो बाद सर उनके घर को सर एक मुंडा उन्होंने बुला के लिया तो उस तो बाद सर मुंडे नहीं सर उन्हें मारते गप सर हुई सी गलबात थोड़ी उदो उन्हें इन्ना गल गया कहते भी जो करना तो कर दो कहते बस सर उन्होंने इन्ना कहा जो करना कर दो। तो उदो बाद किदा सियासत बनी कि शह ते होया सर? अपना सर मैं ही कहा सी सर। अच्छा, तुसी की चाहते सी जी? सर मैं सर उन्हें ब्याह कराना चाहता।
ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸਰ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ 9 ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਲੋਕਲ ਫਾਈਲ ਕਾ ਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਨਾ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੰਨੀ ਮੰਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਨਿਲ ਹੈਰੀ ਸੰਨੀ ਤੇ ਗੌਰਵ। ਇਹ ਸੰਨੀ ਗੌਰਵ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰ? ਇਹ ਲਾਦੂ ਖਾਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਲ ਸਰ? ਮੈਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਅਗਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇੜਾ ਕੋਟ ਪਿੰਡੇ? ਪੈਂਚਾਲੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਕੁੜੀ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਰਾਜ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ ਨੇ ਸਰ। ਪੁਲਿਸਨ ਫੜ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੰਗ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਦਲੀਪ ਦੱਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ 9851 19254। ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਗੈਟ ਐਕਸ ਲਵ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ, 9851 19736।